हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड आप लोग की दुआओं से मैं भी एकदम मस्त हूँ। खुशामदीद आपको एक और नए ब्लॉग में। सो, अभी फिल वक्त हम लोग हैं अलवर में। अजमेर से जो है वो मैं दूसरे दिन जो है सुबह गाड़ी पकड़ के और यहाँ पे आ गया था। आज जो तारीख है वो है 24 तारीख और यहाँ पे हम लोग मेवाती शादी जो है वो अटेंड कर रहा हूँ। मैं एक दोस्त है मेरे मुंबई के, तो उनके शादी में आया हूँ यहाँ पे मैं। तो देसी शादी है ये, वैसे ज़्यादा कुछ होता नहीं है यहाँ पे, बट जैसे हम लोग शादी के एक दिन बाद वलीमा होता है तो यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक दिन जो पहले है वो मांडा कहते हैं वहाँ पे। यहाँ पे तो ये मांडा का रसम है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में जो है वो मैं पूरा मांडा का जो रसम है इनका वो कवर करूँगा, और रात को क्या मेहंदी होता है, क्या हल्दी है, वो सब चीज़ें इसमें हम लोग ये वीडियो में कवर करेंगे। तो सुबह जो है वो हम लोग खाने से इनके स्टार्ट करेंगे वीडियो की, क्या जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं खाने के लिए, और बाद में जो है वो रात तक दिखाएंगे इस वीडियो में कि क्या क्या जो चीज़ें हैं वो होती है यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो जो है आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मॉर्निंग का वक्त है और यहाँ पर जो है वो खाना बनाने का काम जो है वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पर ऑनियन वगैरह कट किया जा रहा है अब ग्रेवी के लिए। यहाँ पे देसी स्टाइल में इनके चूल्हे जो है वो रेडी हो गए। इस तरीके से बनती हैं ये इनके यहाँ पे चूल्हे। वैसे इनके यहाँ पे क्या, हमारे यहाँ पे भी जो यूपी बिहार में होती है तो वैसे ही चूल्हे तैयार होते हैं रेडीमेड फटाफट, ये ईंटे वाले। ठीक है, ये देखिए। और ये काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत ओल्ड फैशन में लगा मुझे, बट थोड़ा न्यू एनिमेशन किया है इसके अंदर, बहुत अच्छा लगा। मैंने रात में इस पर गौर किया तो ये छोटा सा जो चूल्हा है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एंड ये होता है, इसमें रोटी बनती है हर इस बार, इसमें रोटी बनती है ना, तंदूरी रोटी। तंदूरी रोटी तो इसको कैसा, बाहर से मंगाते हैं या खुद ही यहाँ पे तैयार करते हो आप लोग? बाहर से आता है ये, बाहर से आता है। अच्छा, ये डायरेक्ट, और फिर एक बार आपने यूज़ किया उसके बाद ये ख़राब हो जाता है? हाँ, उसके बाद तो काम में नहीं आता, तो वन टाइम यूज़ के लिए होता है ये। अगर होटल के लिए चाहिए तो उसके लिए तो वो तो फिर, हाँ वो तो फिर लोखन वाला आता है, लेकिन आपके गांव में यही चलता है फिलहाल अभी। और ये अभी वही बना रहे ना वहाँ पे? हाँ, इसका तंदूरी का है, इसे वो तंदूरी के लिए बना रहे। और नीचे से क्या उसके अंदर ऐसे ही जैसे आग लगी, आग लगी, ऐसे ऐसे आँच लगती है। ठीक है, तो ये मिट्टी वगैरह डाल के सब ये सब देसी जुगाड़ से इसको बना रहे हैं। इसमें सब है जो इसमें छेद है सबको रोक देंगे इससे। हाँ, सब छेद को इससे रोक देंगे मिट्टी से गीला। चलिए, ये जो है ये मीठा जर्दा की तैयारी चल रही थी यहाँ पे। हाँ, इनके जो चावल वगैरह है वो बॉयल कर लिए, इसमें छुहारे और वो खजूर वगैरह, नहीं खजूर नहीं होते, छुहारे और किशमिश वगैरह होते हैं वो सब। और ये अभी सिर्फ ऐसे ही उबाल के रखा होता है, ये बोलते हैं देसी लुक में छुहारे। चाशनी तैयार होगा, चाशनी तैयार होगी फिर उसके अंदर ये जाता है, वो भी दिखा देते हम लोग चाशनी कैसे तैयार हो रही है उनकी। बाकी तो लगभग लगभग इनका सालन जो है वो तैयार हो गया है यहाँ पे। ये चाशनी रेडी हो रही है इसकी, पहले तो खाली शक्कर ही था, बाद में ये ऑयल वगैरह इसके अंदर जा रहा है। बिरयानी का तैयारी, ये बिरयानी की ना, ये दो अंडी बिरयानी के लिए लग रही है यहाँ पे। और ग्रेवी जो है इनकी है रेडी हो गई है यहाँ पे, दो में, ये दोनों में ग्रेवी है ना। या गोश्त देखो, ये गोश्त बनकर तैयार हो गया। ओ भाई गजब, ये देखो अभी आप तगड़ी। और जो तंदूर जो मैंने दिखाया था आपको कि जो इनकी तंदूर का सेटअप है वो इस तरीके से कुछ बनता है, नीचे देखो आग लग रही है और ये पूरा रेडी है, और इसके अंदर जो है वो अच्छी खासी आग जल रही है। ऐसे कच्ची होती है बट ये पूरा पक जाएगा, तब तक ये हीट भी हो जाएगा अच्छे से। और इनका जो ये आधा काम है, ये जब बिरयानी बन जाएगा तो जो है ये पूरा प्रोसेस इनका चालू हुआ था। अब ये चाशनी रेडी हो गई है तो उसमें ये डलने जा रही है। बेसिकली इसमें छुहारे होते हैं, गढ़ी होती है और किशमिश होती है, पम्पकिन सीड्स होते हैं, इलायची होती है, वो सब चीज़ें जो है ये पहले ही बॉयल करके रखते हैं इसमें, और बाद में जो है ये चाशनी में डायरेक्ट जाता है। वैसे अपने हर जगह अलग अलग बनाने का इसका तरीका होता है, बट यहाँ पर इस तरीके से बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बने रहिए और देखते रहिए कैसे जो है इनकी देसी शादी हो रही है इनके गांव में। ठीक है, इस तरीके से ये चाशनी तैयार होने के बाद इसमें डल जा रही है, अभी डल रहा है चाशनी तैयार। ये भी अभी जस्ट बन के रेडी हुआ है, ये पूरा गरम गरम है ये भी। ये जर्दा जो है वो पूरी तरीके से रेडी हो गया, इसके ऊपर गार्निशिंग भी किया गया है वो चेरी वगैरह, और ऊपर से ये नारियल का बुरादा किशमिश वगैरह डाल के जो है इसकी पूरी गार्निशिंग हो गई है। यहाँ पे और भी चीज़ें, इसमें शायद बिरयानी बन रही है ना, ये हो गई है।
बिरयानी का कारो करम ऑलमोस्ट तैयार हो गया लगता है, ये कुछ परसेंट बचा होगा शायद, है ना। उसके ऊपर से कलर तो यहाँ पे इनके आटे भी जो है वो सन चुके हैं, रेडी है ये। ऑलमोस्ट सब काम हो गए हैं, अभी 12 बजे है, तो अभी एक दो घंटे बाद जो है वो यहाँ पे प्रोग्राम है दावत का, तो अभी टाइम है, लगभग सब चीज़ें तैयार हो रही हैं। मुरादाबादी बिरयानी टाइप में ही होता है यहाँ पे, और ये काफ़ी फेमस है, मतलब अगर आप यहाँ पे नाश्ते वगैरह में देखेंगे तो ये चीज़ें बहुत जगह मिलेगी आपको, हर चौराहे और ऐसे गली नुक्कड़ पे आपको ये टाइप की बिरयानी यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मिल जाती है। ये थोड़े ऊपर से मसाले भी डाल दिए इन्होंने, यहाँ बन रही है जी तंदूरी। छोड़ दे, ले जबरदस्त। पूरा दामोदर जो है ये दो भाई ने ही संभाला आज का, पूरा खाना से लेके ये तंदूरी तक सब यही दोनों भाई ने किया यहाँ पे। भाई इसको कौन सा रसम बोलते हैं? भात। भात इसमें क्या होता है? इसमें जो लड़के का मामा होता है वह भात भरता है। तो जो मतलब लड़के का मामा होता है वो भात भरता है। तो उसमें क्या चीजें देते हैं और क्या लेते हैं? ये लत्ता कपड़ा होता है, जो अपना पैसा दहली होता है ये लोग देते हैं। अच्छा, मतलब वो लोग पैसा कपड़ा और कुछ चीज़ें जो है बर्तन वगैरह टाइप में लेके आते हैं वो। हाँ। और ये जो है लड़की के घर वालों को देते हैं। हाँ। अच्छा, मतलब सब जितनी भी लेडीज़ होती है उनके लिए लेडीज़ कपड़े, और जो जेंट्स होते हैं उनके लिए जो गमछा होता है, जो साफ़ी जिसको कहते हो आप लोग, वो जो टॉवल टाइप में होता है जिसको वाइट कलर का, वो ये देते हैं और उसके ऊपर पैसे वगैरह रख के देते हैं आप लोग का। अच्छा, मतलब यही होता है भात भरना मतलब, और ये जो है ये मामा ही करते हैं लड़के के। मामा ही करते हैं। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो है ये भात भरा जाता है इनके यहाँ पे, सबको कपड़े और ऐसे पैसे जो है वो रख के दिए जाते हैं। जैसे भाई साहब पैसे गिन रहे और कपड़ों के ऊपर रख के जो है लेडीज़ के कपड़ों के ऊपर लेडीज़ के कपड़े दे रहे, और जेंट्स के लिए जो है वो गमछा होता है, जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना यूपी बिहार में जो लोग ऐसे सर में बांधते हैं वो वाला गमछा जो है, यहाँ पे साफ़ी कहते हैं उसको, वो दिया जाता है जेंट्स को, और लेडीज़ के लिए जो है उनके लिए सूट वगैरह रहती हैं। और ये जो यहाँ पे ये बर्तन वगैरह रखा जाता है ये जो लड़के के फूफी होती है उनको दिया जाता है, ये मतलब जो करीबी रिलेशन में होते हैं उनको ये चीज़ें दिया जाता है। ठीक है, और ये बीड़ी वगैरह क्यों रखा है यहाँ पर? इसके लिए मान महत के लिए रखा ना। अच्छा, मतलब ये जो मेहमान उनका मन करे वहाँ बैठे बैठे फूकते रहेंगे। चलो सही है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे रस्में हो रही है, और ये अब वो जो साफ़ी जो बता रहा हूँ मैं आपको, गमछा जिसे कहते हैं, वो ये अब दे रहे हैं लोगों को। रात के हो रहे हैं अभी 9, और ये दूल्हे जो हैं इनकी मेहंदी लग रही है। वैसे हमारे यहाँ तो ऐसी नहीं लगती है, बट ये मेवात में ऐसी लगती है ना भाई। भाई बिल्कुल लगती है ऐसे। ये है शाहरुख खान, और देसी छोरा को दिखा देना भाई, ये इनके भाई जोगिंदर। जोगिंदर है भाई, नाम चेंज कर लिया तूने, रिजवान है भाई तू, रिजवान नाम मत चेंज कर भाई शादी में। ठीक है, और एक और भाई की शादी हो रही है इनकी, वो भी उस रहा है, उनको दिखाते हैं हम। इससे बड़ा नहीं, छोटा, इससे छोटा। ये दूसरे भाई है, ये कौन है? ये सलमान खान, ये दूसरे दूल्हे कल बनेंगे। हाथ दिखा, हाथ अभी इनकी जस्ट मेहंदी लगनी चालू हुई है, ये यहाँ पे ऐसे ही लगाई जाती है ना। यहाँ पे ऐसे ही लगती है। चलिए चालू रखिए, चालू रखिए, इसका मन रहता है लेडीज का।
रात के 3-4 बजे तक जो है वो डीजे बजे हैं, सारे लोग ने जो है वो घर वाले ने भी और लड़के लोग ने भी पूरा डांस किया था। तो उस ब्लॉग में मैं जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाया, डांस जो है जितना मैंने दिखाना था दिखा दिया था। तो इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और आज जो है वो नेक्स्ट डे है और शादी के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ। तो ये ब्लॉग जो है हम लोग अगले वीडियो में शेयर करेंगे आपसे। तो इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।